Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे YouTube चैनल टेक में गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने लेके आए हैं फ्लेम हीटर। तो आइए बात करते हैं इस फ्लेम हीटर के क्या क्या फंक्शन है, तो इसे लुक कैसा है, तो सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको इस वीडियो में देंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं, देखते हैं मुझे क्या क्या मिला हुआ है इस डब्बे में। मेरा मेन यूनिट ये है जो कि देख रहे हैं, ये फ्लेम हीटर है। यहाँ से आपकी फ्लेम निकलेगी और जो हीटर है ऊपर से आपको ये ब्लोअर दिया हुआ है जो कि यहाँ से आपकी हीटर का हवा बाहर आएगा। और ये मुझे एक रिमोट भी मिला हुआ है जो कि इसे रिमोट से हम कंट्रोल करेंगे। और एक ये मैनुअल मिला हुआ है, मैनुअल तो खैर हम छोड़ते हैं, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे देंगे। बात करते हैं इसके क्या क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे कुछ बटन वगैरह दिए हुए हैं, टाइमर, स्पीड और ये प्लस माइनस जो कि हीटिंग के लिए है, टेम्परेचर आपका कितना रहेगा बता दें, मैक्सिमम आपका लगभग मिनिमम 15 डिग्री टेम्परेचर तक आप कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 90 एवब भी कर सकते हैं इसे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है इसमें आपको फ्लेम जलेगी जो कि काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है, आपको अभी पावर सप्लाई करके इसमें आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक पावर बटन है जो कि आसानी से इसको ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट एयर है जो कि यहाँ से आपका एयर इनलेट करके आपको आउटलेट यहाँ से देगा। और बात करते हैं इसकी प्राइस और इसकी जो कितने वाट की है, तो प्राइस की बात करें तो 1299 रुपये की जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, आप वहाँ से जाके आसानी से परचेस कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बात करते हैं इसके कितने वाट की है, तो 1000 वाट की इसकी मतलब जो हीटर की है 1000 वाट की कैपेसिटी है, मतलब 1000 वाट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। यहाँ पे ये एक स्क्रीन भी दिया हुआ है जो कि इसमें आपको दिखाएगा, शो करेगा कितना स्पीड है फ़ैन का और लो है हाई है, टेम्परेचर कितना है, तो सारी आपको इस स्क्रीन पर आपको दिखाएगा। तो आइए पहले हम पावर सप्लाई कर लेते हैं इसमें, देखते हैं इसमें कैसा लुक आता है। तो ये मैंने पावर सप्लाई कर दिया है और ये जो पीछे में आप देख रहे हैं इसे हम ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में आपको 25 दिखा रहा है जो कि स्पीड है, आप इसकी स्पीड यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। और इसकी फ्लेम की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी। और यहाँ पर बहुत अभी तो खैर मैं गर्मी के दिनों में ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी मतलब यहाँ से गर्म हवा आ रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका कोई इशू नहीं है, मैं फैन को थोड़ी देर में ऑफ़ कर दूँगा। आप ये देख रहे हैं ये पावर बटन है और ये टाइमिंग है, मतलब टाइमिंग सेट कर देंगे उतने देर के अंदर आपका ये ऑफ हो जाएगा। और ये द विंड स्पीड है यानी फ़ैन की स्पीड, इससे आप बढ़ा घटा सकते हैं, लो और हाई कर सकते हैं। और ये हीटअप है और कूल है, हीटअप करेंगे तो आपकी ये और हीट करेगा और कूल करेंगे तो आपकी नॉर्मल मतलब उतना हवा गर्म नहीं देगा। और इस बैटरी की रेंज बता दें कितने रेंज तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, 3 मीटर तक आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं, 3 मीटर से ज़्यादा करेंगे तो आपका आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ये रिमोट आपका काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं अभी 22 है, तो अभी मैं आपको पावर बटन दबा के दिखाता हूँ, आपको ये ऑफ़ हो जाएगा, ये देख रहे हैं ये ऑफ़ हो चुका है, बट केवल फ़ैन ऑफ हुआ है। ये आपकी जो फ्लेम है ये देख रहे हैं, देखने में काफ़ी अच्छा खूबसूरत भी लग रहा है, बट ये रियल में तो फ्लेम नहीं जल रहा है, बट ऐसा ये इसका बनाया हुआ है कि अंदर की जो स्क्रीन है रिफ्लेक्शन हो के आपको पूरा एकदम लग रहा है जैसे आग जल रहा है। अभी तो खैर उतना अंधेरा नहीं है, मैं आपको अंधेरा भी करके दिखाऊंगा, काफ़ी ये खूबसूरत लग रहा है, आप शोकेस में भी इसे आसानी से लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में हो या फिर कोई ऑफिस वगैरह हो आसानी से आप ये लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको इसे थोड़ा ऑन करते हैं, ये ऑन हो चुका है। और ये प्लस की बटन देख रहे हैं, ये फ़ैन की स्पीड है और ये टाइमर है, कितना टाइमर के बाद आपको ये ऑफ हो जाएगा। और ये स्पीड है, स्पीड दिया हुआ है जो कि LL मतलब लो स्पीड है, HH मतलब हाई है, यानी ये जो फ़ैन की जो स्पीड है ये बढ़ जाएगी, मतलब दूर तक आपको गर्म हवा फेंकेगा। और इस बैटरी में आपको टैबलेट वाली बैटरी रिमोट में आपकी टैबलेट वाली बैटरी लगती है जो कि मार्केट में 20 से 30 रुपये में आसानी से मिल जाती है। और इसकी बात करें कि कितने वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पे ये आपका रन करेगा, कितने वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पे ये मतलब रन नहीं करेगा, तो 220 वोल्ट पे ये आपका आसानी से रन करने वाला है। अगर 220 से 240 होता है तो आसानी से मतलब चलने को तो चलेगा, बट आपकी ये जो अंदर की सर्किट है ज़्यादा देर चलने के बाद वो सर्किट जल सकती है जिससे आपका ये ख़राब हो सकता है। अगर 220 से आपका कम है तो फिर भी चलेगा, बस ये जो फैन की स्पीड है कम हो जाएगी। यहाँ पर आपका देख रहे हैं ये सब प्लास्टिक बॉडी दी हुई है और ये जो आगे में जो ये वेंटिलेटर लगा हुआ है ये आपका आयरन की दी हुई है ताकि ये गर्म हवा आए तो ये गले ना। तो ये थोड़ा मैं आपको अंधेरा करके दिखाता हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। तो ये आप देख रहे हैं रूम को मैं थोड़ा सा अंधेरा कर दिया हूँ, पूरा अंधेरा तो नहीं किया हूँ, तो आप देख सकते हैं ये आपको और पास से हम दिखा देते हैं, ये पूरा जैसे लग रहा है कि हाथ ले जाने के बाद मेरा हाथ अब बचने वाला है नहीं, ऐसा मुझे फील हो रहा है।
ये बिल्कुल आपको एकदम लग रहा है जैसे रियल में फ्लेम जल रहा है। ये मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगा फ्रेंड, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि एक बार इसे नहा के आप ज़रूर यूज़ करें। ये भी साइज़ में तो खैर छोटा है, उतना बड़ा है नहीं, आप चाहे तो बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं और वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा। और ये आगे में एक ग्लास भी लगा हुआ है जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा अंदर हाथ जाने से, और यहाँ पे वेंटिलेशन लगा हुआ है ताकि आपका ये जो नाइक्रोम का वायर अंदर में है वो आपको टच ना हो, जिससे आपको करंट शॉर्ट सर्किट ना हो सके। और इसकी कितनी वजन है तो आपको वजन बता दें, आपको 1.8 केजी इसकी वजन है, कुछ खास वजन भी नहीं है, आप ये आसानी से कहीं कैरी भी कर सकते हैं और वहाँ पर ले जाके इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो पीछे का भी लुक दिखा दे रहे हैं कैसा लुक है, यहाँ पे आपको एक पावर बटन है पहले जो कि बता दिया, ये ऑन ऑफ के लिए। और ये जो कोड वायर देख रहे हैं इसकी 1.5 मीटर की ये वायर है जो कि अच्छी खासी लंबी भी है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे रिलेटेड तो सारी आपको जानकारी दे दिया, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है फिर चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।